दोस्तों आप किसी ऐप पर हमको देखते हो, हमारी खबरें सुनते हो तो उसको फॉलो कर लीजिए। YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरों के नोटिस आपके मोबाइल में पहले पहुंचते रहे। फिलहाल देखिए हमारी आज की खास खबर। दिशा सूचक रोस्टर लागू होने के बाद हजारों व्यापारियों के रोज फोन आते थे, अनेकों एसोसिएशनों के प्रतिनिधि व्यापार मंडल कार्यालय आकर के अपनी परेशानियां बताते थे, और वास्तव में जब व्यापारियों की परेशानी को समझा गया तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल को भी लगा कि अगर यही रोस्टर चलता रहा और माह के 30 दिनों में अगर 8 दिन और 10 दिन दुकान खुलेगी तो निश्चित रूप से ना तो व्यापारी व्यापार कर पाएगा, ना GST दे पाएगा, किराया दे पाएगा, बिजली दे पाएगा, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाएगा और अपने परिवार का भी पेट नहीं पाल सकता। इस मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ उठाया गया मुद्दा, जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिए गए, प्रयास किया गया, निरंतर लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद फिर हम माननीय जनप्रतिनिधियों के पास भी अपनी बात को लेकर के गए और उन्हें अवगत कराया कि रक्षाबंधन जैसा, बकरा ईद जैसा त्यौहार आ रहा है, अगर इसमें व्यापारियों को कम से कम सप्ताह में 5 दिन व्यापार करने की छूट नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस बात को सभी लोगों ने समझा, जिला प्रशासन ने भी समझा, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस चीज़ को महसूस किया और प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और आज माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पुराने रोस्टर को विराम देते हुए सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 9 बजे तक का नया रोस्टर जारी किया जो कल सुबह सोमवार से यानी कि 20 जुलाई से लागू हो जाएगा। निश्चित रूप से इसको लेकर के व्यापारी जगत में उत्साह है, मगर इस उत्साह के बीच में हम व्यापारियों को ये संदेश भी देना आपके माध्यम से चाहते हैं कि प्रिय भामाशाह साथियों, कोरोना से हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, इसके लिए बहुत सतर्कता बरतनी है, सारे नियमों का पालन करना है। ये लड़ाई चूंकि इसलिए लंबी है कि जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये कोई 10-5 दिन में जाने वाली समस्या नहीं है, गंभीर से गंभीरतम ये समस्या हो रही है, तो इसमें हमको कारोबार भी बचाना है और परिवार भी बचाना है, दोनों चीज़ों का सामंजस्य बनाना है। दुकान भी खोलें आप, लेकिन उसके साथ साथ सारे नियमों का पालन करते हुए, सैनिटाइजेशन है, मास्क है, हाथों को साबुन से धोना है, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां लेनी है या काढ़ा लेना है, जो भी करना है, गर्म पानी सिकंजी सब चीज़ लीजिए और जो ग्राहक आते हैं उनको भी इन चीज़ों से अवगत कराइए, अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उससे पालन करवाइए। और मैं तो यहाँ तक आपसे कहूँगा कि यदि कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पर बिना मास्क लिए आता है तो आप उसको अपनी दुकान से कतई सामान ना दें। इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, COVID-19 के बाकायदा सरकार ने नियम बनाए हैं कि भाई इनसे आप अपना बचाव कीजिए, आप बचाव करके ही अपना कारोबार कीजिए। सभी व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने व्यापार मंडल में, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में अपनी आस्था प्रकट करी और व्यापार मंडल ने उनकी लड़ाई को लड़ी। आगे भी कोई ऐसी समस्या आएगी तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी हित में सदैव संघर्ष करता रहेगा, सदैव उनकी सही मांगों को उठाता रहेगा और उसमें इसी प्रकार से फैसले व्यापारियों के हित में करवाए जाते रहेंगे। इस अवसर पर व्यापारियों के साथ साथ हमारे माननीय मंत्री जी का, विधायक जी का और जिला प्रशासन का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे अन्य व्यापारी साथियों ने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया है। आज की जो वेबिनार थी उसमें भी सभी लोगों ने एक मत होकर के अपनी बात को प्रशासन के सामने रखा। मैं अपने सभी अन्य संगठनों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इस मांग में हमारी सहमति जताई और अपनी स्वीकृति प्रदान की।